हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमने आपके लिए एक नया वीडियो लाया है। आपने स्टीम बोट तो देखी ही होगी, पर आपको पता है वो कैसे चलती है और उसके पीछे चलने का वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर आपको पता नहीं होगा तो ये वीडियो एंड तक देखिए, और उसके पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोज अपडेट देखने के लिए। इस स्टीम बोट में एक पतला हॉलो चैम्बर होता है और उसे दो पाइप का आउटलेट होता है। पहले हम एक पाइप से पानी अंदर डालते हैं, फिर दिया रखने के कारण चैम्बर गर्म होता है। गर्मी के कारण पानी वेपर में कन्वर्ट होता है और दूसरे पाइप से निकलता है। उसकी वजह से पहले पाइप में वैक्यूम तैयार होता है। वैक्यूम तैयार होने से पानी फिर से अंदर आता है और वेपर में कन्वर्ट होकर दूसरे पाइप से बाहर निकलता है। वेपर के थ्रस्ट की वजह से जहाज पानी के ऊपर आसानी से चलती है। जब तक दिया जलता रहेगा तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी और जहाज आगे बढ़ते रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।